के काम करती थी मेरी, ये मैं दिल मार के ना मेरे को सांस नहीं आ रही, हट जा हाथ कर लो हाथ कर लो, क्या कर दिया बंदे 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 मम्मा तेने मेरे क्यों मारा है? फिर नाक में उंगली देनी जरूरी थी यहाँ पर पे मेरे अब कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना, सांस ले पा रहा ना कुछ ले पा रहा। पापा तो मेरे को पीते नहीं ला, पापा जी अबे बुलाता पापा जी को, पापा जी पापा जी क्या हो रहा है? 10 मिनट शांत क्यों कर लिया है? ओए क्या कर दिए ये परिया, हमने कुछ नहीं तो दो यार, इधर इधर बैठ बेटा, इधर बैठ इधर बैठ इधर बैठ इधर बैठ, क्या लग गया ये पेंसिल घुस गई नाक में? आराम से बैठ, आराम से है पेंसिल घुस गई नाक में? किस तरह ऐसे कर इसने इसने करी है बता मेरे कैसे किस तरह ये मैं पढ़ाऊंगा ठीक पीछे पीछे को बैठ बैठ आराम से पीछे पीछे को बैठ पीछे को पीछे पीछे नहीं बैठने जा रहा पीछे पीछे लेट जा लेट जा लेट जा लेट जा लेट जा लेट जा आराम से लेट जा लेट जा आराम से लेट जा आराम से हट जा यार मेरी जिंदगी खराब कर दी यार इसने यार। बेटा कोई नहीं मैं मारूंगा मैं इसको मारूंगा आज कल बेटा बेटा कोई नहीं कोई कोई नहीं मैं बैठा हुआ ठीक मैं देखूंगा इन्हें बैठ बैठ जा बैठ जा बैठ जा बिल्कुल शांति आ रहा आराम से बैठ जा बिल्कुल पानी लेके पानी मेरे नाक के अंदर पेंसिल घुस दी पापा जी बता दो मैं हूँ चिंता ना कर बेटा चिंता मत कर बहुत दूर है हेलो डॉक्टर साहब एक बार ना घर पे आ जाओ किसको बुला रहे हो ना डॉक्टर साहब एक बार आ जाओ इमरजेंसी है डॉक्टर साहब पानी दे डॉक्टर को कह दो ये लिखाना जल्दी आ जी सबके साथ सारे बट कर दूंगा मैं चिंता ना कर तू नाक में उंगली देके सिंड लगा रहा था मेरे मुंह पे बताओ पेंसिल बैठ बैठ के पेंसिल नाक में सोतेगा पहले ही लगाया था और मैं बैठ जा बेटा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा एक बार बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा मुंह से तले बढ़ाऊंगा तने ठीक है डट जा ये नाक में उंगली लगा रहा इतना तेज मत बोल बेटा इतना तेज मत बोल लेट जा तू आराम से लेट जा बस नाक में पापा जी डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी आते हाँ आज आज जल्दी आ जाओ डॉक्टर साहब कौन से डॉक्टर को बुलाया ठीक है ठीक है ये पता क्या कर रहा था नाक में उंगली देके ना गोली बना के ना यूं मार रहा था मैं यूं कर के यूं कर रहा था तेरे गोले में ऐसे बना चुपड़ी में ऐसे निकल जा तू कौन से डॉक्टर को बुलाया जी अरे ये अपना फैसिलिटी वाला डॉक्टर है जो बड़े डॉक्टर को बुला बड़े डॉक्टर के पास चलेंगे बेटा वो तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा फिर बड़े डॉक्टर को यहाँ बड़े डॉक्टर मिलेगा तेरे को तो कैंसिल कर देगा मम्मा तो गाइस हमने ना अभी प्रैंक किया था ये मतलब पेंसिल यहाँ पे मैंने चिपका के और कि घर वालों को कहा था कि इसने मेरे नाक में ऐसे पेंसिल घुसा दी
तो भाई मेरी मम्मी बेहोश हो गई थी अभी, तो थोड़ा ज्यादा ही सीन हो गया था, पर अभी ठीक है यार, रियली सॉरी, हमें खुद ऐसे करके बुरा लग रहा है यार बहुत ज्यादा, लेकिन अभी भाई मम्मी ठीक है, अभी मैं बुलाता हूँ, मम्मी को बता दिया उन्हें कि प्रैंक कर रहे थे। मम्मा पापा जी आना एक बारी, ये रही हमारी मम्मी, सॉरी यार, दिखाई खींचा के थी, सॉरी जी, आवे तो भाई रियली सॉरी, मम्मी बेहोश हो गई थी यार, मम्मी रियली सॉरी यार, चल कोई नहीं, चल ठीक है ना अब तो रेस्ट करवाएगा, जूस पिलाएगा जब ठीक हो। हाँ मम्मी के लिए जूस लेके आ रहे हैं, ठीक है फिर मम्मी थोड़ा ठीक हो जाएगी। पापा जी आपके लिए क्या लूँ? मैं मेरे लिए तो कुछ नहीं, तेरी मम्मी ने ठीक कर दी बस, तेरी मम्मी ठीक है तो मैं अपने आप को ठीक हूँ। पापा जी का जूस मैं ही पी लूँगी। ठीक है हाँ तू ही पी लियो, ठीक है चलो अब एक बार हंसके तो दिखा दो हैं था कुछ नेक्स्ट लेवल था कुछ था। सो गाइस आपको अगर नेक्स्ट लेवल लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से जरूर करना, और भैया भी सब खुश है यार तो नेगेटिव कमेंट्स मत करना यार प्लीज, ठीक है थोड़ा सा आप लोगों को वो एंटरटेन करने के लिए हमने ये सब किया। आई होप भाई वीडियो आपको पसंद आई होगी, यहाँ तक देखे तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक वाले शेयर ठोक दो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखे, मस्त रहे व्यस्त स्वस्थ रहे, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ लग रही है करने सबको, बता दे भाई कोई, हां भाई डू नॉट ट्राई दिस स्टंट, ओके इट्स अंडर प्रोफेशनल Skater Rahul and Skater Himanshu. Okay guys, bye bye, take care, love you.